हाँ भाई, जंगल में मंगल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। जंगल में मंगल, देख रहे हैं ऐसे होता है जंगल। तो भाई सोचा आज मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ ऊबर ईट्स का। तो आज मैं ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए, सिर्फ इस वीडियो के लिए, ऊबर एक्स को बंद करके, ऊबर एक्स जो होता है उसको बंद करके ऊबर ईट्स चलाऊंगा। सो ऊबर ईट्स आके आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई कैसा होता है, कितने पैसे बनते हैं, क्या होता है, डिलीवरी कैसे लेनी होती है, एक डिलीवरी ड्रॉप कैसे ड्रॉप ऑफ करनी होती है। तो अभी मैं आया हूँ, सुबह हो रही है, क्या कहते हैं, अभी तो फ़िलहाल मैं रन के लिए आया हूँ और फिर आज जाके सिर्फ आप लोगों के लिए प्लान करूँगा आज पूरा दिन के भाई ऊबर ईट्स। जो जो लड़के आ रहे हैं, जिनको पता है कि भाई जो नए लड़के आएंगे वो अपनी ऊबर ईट्स पर कितने पैसे बना सकते हैं, क्या सिलसिला है, तो उन सब के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए आज ये वीडियो है। तो चलें, मैं वॉक ख़त्म करता हूँ, फिर ऊबर ईट्स के लिए चलते हैं। भाई आज ऊबर ईट्स कर रहे हैं, ऊबर ईट्स की डिलीवरी है ये, ठीक है, मैक डिलीवरी। अब ये है कि मैकडोनल्ड से मिलती है। अब मैंने अभी क्या कहते हैं, इससे पहले वाला जो पार्ट बनाया था उसमें मेरे कम पैसे बने हुए थे, तो मैं इस पार्ट को और ज्वाइन कर देता हूँ। गाइज, इट डिपेंड्स के आपके पैसे कितने बनते हैं, कि आप कितने आवर्स काम करते हो, कितने दिन काम करते हो, कौन सी जगह पे काम करते हो। सिटी आपका बहुत मैटर करता है, आप रेस्टोरेंट के कितने करीब हो, मैकडोनल्ड के कितने करीब हो। तो अगर मेरे पैसे कम बने, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को डीमोटिवेट कर रहा हूँ कि सिर्फ इतने से पैसे बनते हैं, या अगर मेरे पैसे ज़्यादा बने कि मैं सबको बोल रहा हूँ ये काम करो। कहने का मकसद ये है कि ये डिलीवरीज जो मैं कर रहा होता हूँ, ये अप एंड डाउन होता है। सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा बिजी होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत बिजी होता है, वीकडेज में बिल्कुल बिजी नहीं होता, क्योंकि हर कोई $15-20 की फूड मंगवाने का वो नहीं करता। लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है, जब बारिश हो रही होती है, तो शायद बिजी हो जाता है, क्योंकि लोग बाहर ड्राइव करके या वॉक करके नहीं जाना चाहते। तो अभी ये डिलीवरी करते हैं, अभी ये 6 किलोमीटर दूर डिलीवरी है। इसके मसला ये है, मैकडोनल्ड के सबसे कम पैसे बनते हैं, सबवे और दूसरा कोई रेस्टोरेंट होगा उसके ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो इससे पहले कि लेट हो, चलो डिलीवरी करने चलते हैं। आज वॉक्सवैगन में डिलीवरी करेंगे। तो भाई अपार्टमेंट में आ गए, अभी ऊबर ईट्स डिलीवर करने के लिए यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला होता है, ऊबर ईट्स जब भी आप गाड़ी में करते हो ना, तो पार्किंग का बड़ा मसला होता है। इस जगह पे तो मैं पहले आ चुका हूँ, तो मुझे पता था कि यहाँ पे अंडरग्राउंड विजिटर पार्किंग काफ़ी सारी, ये देखें ये सारी विजिटर पार्किंग है, और जो इनकी एक्चुअल पार्किंग है वो ग्रिल के अंदर है। तो आप सारा चक्कर ये गाड़ी पार्क करो और फिर अभी यहाँ से वॉक करके जाना है, फिर उनको क्या कहते हैं जो इंटरकॉम है उस पर उनका नंबर दबाना है, फिर वहाँ से खोलेंगे, फिर मुझे वॉक करके लिफ्ट तक जाना है, फिर लिफ्ट से ऊपर सेकंड फ्लोर पे वॉक करके जाना है और फिर वापस आना है। तो सारा जो हैसल है ना, वो ये है कि यहाँ से सारा गेम चल के सिर्फ इस डिलीवरी के लिए। तो इट्स नॉट हार्ड, लेकिन ईजी नहीं होता। अब धूप देखो, धूप कितनी हो रही है, धूप में हालत बुरी हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ आ गया हूँ, देख सकते हैं ऊबर ईट्स डिलीवरी करने, ऐसे ही होती है भाई डिलीवरी। अगर आप वहाँ से देख रहे हो तो वहाँ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से बाहर से देख रहे हो तो ऐसे होती है, और अगर ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हो तो ऐसे ही कर रहे होगे डिलीवरी, अगर नहीं तो। अब इंटरकॉम बस करना है, नहीं देखो पहले मैं देख लूँ कौन सा नंबर है। अभी देखो रिंग हो रहा है, अब वो या तो बाथरूम में है या कहाँ है, मतलब खोल नहीं रहा। अब यहाँ खड़े रहो जब तक वो खोलेंगे नहीं, क्योंकि दरवाज़ा बंद है तो अंदर जा नहीं सकते। तो ये पंचायतें बहुत होती हैं इसके अंदर, ऊबर के अंदर ना। अब यहाँ फूट रख के अब मैं वेट करूँ, दोबारा इंटरकॉम करूँ कि भाई खोल दो यार दरवाज़ा, लेकिन वो खोल नहीं रहे। तो बस ये पंचायत है, कोई आ रहा है तो अब उसने आके मुझे, मतलब बेल जा रही है उसके घर पे, लेकिन वो बंदी वहाँ से वॉक करती हुई आ गई। वो कह रही है कि मुझे अपने हस्बैंड को उठाना है, बेल बजने दो। मतलब देख रहे हो आप, तो डिलीवरीज में ये होता है बस। अब ये डिलीवर कर दी, इसको $5-$8 जितने भी बनेंगे, इस तरह से डिलीवरी करते रहो। एक चीज़ मैं टिप दूंगा कि भाई जब आप डिलीवर कर रहे होते हो तो फ़ोन अपने साथ में रखो, क्योंकि जब आप डिलीवर कर रहे होते हो तो पीछे कोई और डिलीवरी आ जाए तो आप वो उठा नहीं सकोगे। तो इसलिए फ़ोन साथ में रखो, कोई और डिलीवरी आए या कोई और कुछ आए तो आप उसको क्लिक करके एक्सेप्ट कर सकते हो। वरना इस तरह से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो डिलीवरियाँ मिस कर देते हैं और कंप्लेन करते हैं कि उनकी डिलीवरी नहीं आई।
तो भाई घर में से घर में आ जाता हूँ मैं डिलीवरी करके। अब ये घर पे बैठा होता तो मैं डिलीवरी आ गई, अब घर से निकल के वापस गाड़ी में बैठो। यहाँ पे ये अच्छा सीन है कि अगर भाई मैं आपको सब बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में रहना है और अगर ऊबर ईट्स करनी है या ऊबर एक्स करनी है तो ऐसी जगह पर रहो जहाँ पर रेस्टोरेंट्स और जहाँ पर लोग ज़्यादा हों, तो वहाँ से ऊबर ईट्स की भी डिलीवरी मिलती रहेगी और ऊबर एक्स की भी मिलती रहेगी। ये टिप है, समझ लो आप ना दूसरों से कम $100-200 हफ्ते के ज़्यादा कमाओगे। तो बहुत एक्सपीरियंस वाली टिप है, अगर समझ सको तो ठीक है, नहीं समझ सको तो करो जो करना है। कौन चला लो, बहुत गर्मी हो रही है, चलते हैं। दोस्त था तो मैं इजीली बना रहा था पार्ट वन के अंदर, इसके अंदर दोस्त नहीं है। तो अब ये ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं ये हाथ में उठानी है, कभी कभार चार ड्रिंक्स होती हैं, एक दो बैग होते हैं और दो डिलीवरीज होती हैं, ठीक है। तो और अगर आपके पास पिज़्ज़ा है तो वो पिज़्ज़ा बैग में ही देंगे, ऐसे हाथ में नहीं देंगे। तो मुश्किल हो जाता है उसमें जब आप जल्दी जल्दी कर रहे होते हो और कभी बड़ी डिलीवरी आ जाती है। वैसे नॉर्मली इट्स ईजी और यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपनी गाड़ी चलानी है, अपने जाके डिलीवर करना है, थैंक यू बोलना है, स्माइल देना है, पैसे आ जाते हैं जेब में और कटा कट कटा। तो बस ये सिलसिला है भाई, ऐसे ही लाइफ है। अब आप ये बोलोगे यार हर वक्त ऊबर ईट्स और ऊबर करते रहो, तो भैया ये सबसे बेस्ट जॉब इन टर्म्स के फ्लेक्सिबिलिटी। घर में बैठा हूँ, अभी जॉब नहीं है, रात में जाना है, क्या करूँ, दिन भर कितना मूवी देखूंगा, कितना फ़ोन यूज़ करूँगा। ऊबर ईट्स ऑन कर ली, ऊबर ऑन कर लिया, दो तीन डिलीवरी कर ली, पांच दस डिलीवरी करी, $50 बन गया, क्या हो गया $50 बेटा। मेरे जब पेट्रोल में जाएगा ना तो मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि भाई $50 $100 कितना मायने रखते हैं। तो चलिए डिलीवरी बैग पैकर्स आ रहे हैं यहाँ पर, इस मौसम में आते हैं और ये सारे यहाँ पे बीचेस में जाएंगे, पार्टी करेंगे सारी रात, इंजॉय करेंगे। देखो इस तरह की वैंस लेते हैं, सस्ती सस्ती सी वैंस, उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी साउथ ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करके आया हुआ है। तो यहाँ पर बैकपैकर्स से बहुत इकोनॉमी बूस्ट होती है, बैकपैकर्स आते हैं, वो ऊबर यूज़ करते हैं, ऊबर ईट्स यूज़ करते हैं, ट्रैवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो ये बिज़नेस इकोनॉमी के लिए एक बहुत 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 अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे तो कोरोना कुछ है नहीं। खैर फिलहाल अभी डिलीवरी आ गई सबवे से, तो हम जाके अभी सबवे से डिलीवर उठाते हैं, उसके बाद अच्छा डिलीवरी भी शायद लंबी, इट लुक्स लाइक 10-15 मिनट्स, तो चल के देखते हैं ये कहाँ पर। क्या कहते हैं, काफ़ी बड़ा ऑर्डर था और टाइम लगा, 2-3 है अंदर। तो अब ये है कि जैसे वेटिंग टाइम है उसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे होते, वेट किया इतना, मैं गलत 7-8 मिनट का वेट था, उसने पहले ही बोल दिया था ऑर्डर नॉट रेडी यू नीड टू वेट, मैंने बोला ठीक है इट्स ओके। तो बस अभी चलते हैं डिलीवर करते हैं, 11-12 मिनट की ट्रिप है, तो बड़ी ट्रिप है, फिर चलते हैं। अगर रास्ते में हुआ तो मैं बना सकूँगा, नहीं तो फिर ड्राइव करते हैं। उनकी कवाली चल रही हो, एयर कौन चल रहा हो, अकेले बैठे हो और उस पर भी पैसे बन रहे हो, क्या चाहिए भाई दुनिया में और तुम्हें।
भाई अभी आ गए, क्या कहते हैं, कोई कंपनी फैक्ट्री है यहाँ डिलीवर करना है, कोई इंडियन भाई है उनको डिलीवर करते हैं। चलो Is it 794? No. What's the number of this? What do you want, sir? No, just delivery. It's 794. The number of this plot? We don't have numbers here. Okay. All right. I would suggest you ring them. Ring, okay. Sorry about that. तो भाई अभी सीन ही हुआ है कि गलत नंबर पे आ गए। अब देखो ये बड़ा मसला होता है यहाँ पर, अब इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि पंचायत ये है कि अब डिलीवरी करने के लिए जो एड्रेस उसने दिया उस एड्रेस पे वो है नहीं, उसने दूसरा एड्रेस दिया है मुझे, तो अब मुझे दूसरे एड्रेस पे उसके फ़ोन पे कॉल करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि क्या, ये बड़ी पंचायत है यहाँ पे, आप समझो अगर रात हो रही, बारिश हो रही होती और मैं दूसरे एड्रेस पे पहुँच जाता और फिर मैं उसको कॉल करता, वो बोलता मैं इधर नहीं हूँ मैं उधर हूँ, ये पंचायतें इधर की बड़ी झेलनी पड़ती हैं। तो भाई इस तरह से डिलीवरी कर दी है मैंने, ये भी कंपनी थी, मैं बराबर वाली फैक्ट्री में था, एड्रेस शो कर रहा था गूगल मैप पे बराबर वाली कंपनी। तो बस ये पंचायतें होती हैं यार, एड्रेस ढूंढने में बड़ा मुश्किल होता है। अगर अब ये रात होती और मेरे पास बड़ा डिलीवरी का बैग होता और मैं डिलीवर कर रहा होता तो इसमें मुझे और प्रॉब्लम होती। तो मैं ये कोई कंप्लेन नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि भाई ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब कि जहाँ पे अप्स एंड डाउन, मुश्किल, आसानी, आसान बहुत आते हैं। सेम लाइक उबर एक्स, अगर मैं उबर ड्राइव कर रहा होता तो उबर के अंदर कोई अच्छे कस्टमर आते हैं, कुछ बुरे कस्टमर आते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको डील करनी पड़ेगी। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप जॉब करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो मैं आपको अभी बता दूं, तकरीबन मैंने 4 घंटे में $50 बन गए। आज बिजी है, वैसे नॉर्मली वेनसडे को बिजी नहीं होता लेकिन आज बिजी हो रहा है इस सवा, क्योंकि हो सकता है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर ज़्यादा ड्राइवर्स हैं नहीं और हर वक्त बिजी भी नहीं रहता, तो कोई आके यहाँ पर रहे और वो सोचे कि मैं ऊबर ईट से पैसे कमा लूँगा, मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा। बस मैं ये उसको ये भी बोलूँगा कि भाई कभी अब बिजी होता है, कभी नहीं बिजी होता, तो जो आपको समझ में आए जहाँ भी रहो वहाँ रहो जहाँ पर रेस्टोरेंट्स हों, जहाँ वहाँ रहो जहाँ पे आपका इजी एक्सेस हो, आपका जाने का टाइम आने का टाइम काफ़ी बच जाएगा, पेट्रोल बच जाएगा, आपकी हैसल बच जाएगी कि वहाँ जाओ लेके आओ लंबा, क्योंकि जब आप जा रहे होगे पिकअप करने के लिए तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और जब आप ड्रॉप ऑफ कर दोगे उसके बाद घर की तरफ आ रहे होगे या दोबारा रेस्टोरेंट की तरफ आ रहे होगे तब भी कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने ये यू हैव टू सेव टाइम टू मेक मोर। डिलीवरी आ गई है ऊबर की, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने ऊबर एक्स स्टॉप कर दी है, ऊबर ईट्स कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक दिन पता लगे कि भाई ऊबर ईट्स क्या होता है, ऊबर ईट्स के अंदर कैसे दिन होता है। ये मैं अकेला कर रहा हूँ, काफ़ी लोग करते हैं, अपने किसी दोस्त को साथ बिठा लेते हैं, फ़ोन पे लगे हुए होते हैं, पाकिस्तान में इंडिया में अपनी बच्चियों से बातें कर रहे होते हैं, गर्लफ्रेंड या वाइफ से बातें कर रहे होते हैं, आज ये डिलीवरी मिली है, अभी ये जा रहा हूँ, ये डिलीवरी करने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वो अपनी दुनिया में होता है। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है फ़ोन पे बात करने का या अपने दोस्तों को साथ में बिठाने का, लेकिन ये है कि जब होता है दोस्तों कोई साथ में बैठा होता है तो बिठा लेते हैं, लेकिन एक अच्छा रूटीन है कि आप फिट भी रहते हो, आप चल रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, और जॉब भी आसान है, किसी से हैसल नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई गाड़ी में नहीं बैठा हुआ। तो बस आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ऊबर ईट्स कैसे होता, वॉक्सवैगन में ऊबर ईट्स करना वाव है भाई वाव। तो भाई इस तरह से रात के तकरीबन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 9 बजने वाले, टाइम देख लें आप, 9 बजने वाले। तो बस ये अब आखिरी डिलीवरी है, मैं थक गया हूँ करते करते, सुबह से कर रहा हूँ, तकरीबन 100-120 डॉलर बने, अब वो क्योंकि स्क्रीन पे बने और मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिखा नहीं पा रहा, तकरीबन 118 डॉलर बने, तो इसके बाद 6-7 डॉलर की डिलीवरी है, तो $125 हो जाएंगे 12 घंटे के अंदर। तो भाई जो है मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया, थक गया हूँ मैं अभी, फुल्ली एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, मतलब 12 घंटे सुबह 9 बजे से स्टार्ट किया था और अभी 9 घंटे होने वाले हैं, मतलब पूरे 12 घंटे होने वाले हैं, मतलब आवाज़ भी नहीं निकल रही है। बस ये आखिरी डिलीवरी है, ये करके घर चलते हैं, थक गया हूँ मैं, ये देखें। तो
तो भाई ये इस तरह से दिन गुजरता है जो ऊबर ईट्स वाले कर रहे होते हैं मेलबर्न सिडनी और दूसरी जगहों पे जो कर रहे होते हैं, सेम ऐसा ही होता है। बस वो लोग ये होता है कि पाकिस्तान इंडिया में या दोस्तों से फ़ोन पे लगे होते हैं, उनकी आदत होती है हेडफोन लगा होता है या बैठ के फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। मेरी आदत नहीं होती इस तरह की। तो मैं आज आप लोगों के लिए मैंने व्लॉग बनाया, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया, आई होप आप लोग इसके ऊपर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो बस मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करूँगा। आपसे बोलूँगा यार, मैं बहुत मेहनत से अपने ये व्लॉग्स बनाता हूँ, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और 50,000 तक लेके जाएँ एटलीस्ट। और मैंने ख़ास तौर पर आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी ऊबर एक्स छोड़ के ऊबर ईट्स करने के लिए। खैर, मैं आप लोगों का बहुत शुक्र कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते हैं। बस मैं अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, मैं थक गया हूँ, घर जाके अब कुछ खा भी लूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नाम फवाद है, दुआ में याद रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट व्यू देख लें मेरी वॉक्सवैगन टर्बो और मैकडोनल्ड, वॉक्सवैगन टर्बो बेबी एंड व्यू, रिव्यू भी आएगा और व्यू भी आएगा। टेक केयर, बाय।